TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं और आज जब बुध है अप्रैल की 6 तारीख तो आज फिर एक बार आपके लिए आज की ताज़ा खबरें पेश की जाएगी। सबसे पहले आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, राम राम, खुद मेदाख, सरनामी न्यूज़ हिंदुस्तानी और होलान ज़बान में आपके खिदमत में हर एक को याद की जाती है। तमाम खुशियाँ खुशनसीबी यहाँ से एक बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। ओपोसीसी बता रहा है कि ओपोसीसी विल बेहतर फॉर बराइडिंग बेसिंग इन कॉम्स्ट ब्लास्टिंग, यानी कि कह रहा है कि ये लोग चाहता है कि इन कॉम्स्ट ब्लास्टिंग जो लोग यानी कि बदलना चाहते हैं, रद्द बदल करना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से इस पर कार्रवाई की जाए और तब इसको काम में लाई जाए। और यहाँ पर बताई जाती है कि ये लोग जो है कोवालिसी यानी कि रखेरिंग अच्छी तरह से इस पर काम नहीं किया है और अफसोस की बात है कि ये लोग सहमत नहीं हैं कि जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं इस पर काम करने के लिए। ब्लास्टिंग तो भरना ज़रूरी है लेकिन जिस तरह से इस वक्त में कोशिश किया जाता है, तो फेहापे का जो आशीष कुमार गयादीन यानी कि असम्बली लेथ है ये कह रहा है दखबला सूरीनाम से कि दस्कंदखन जो है यूसी सज्ञ जो है संतराल बंग का और ब्लास्टिंगन का ये लोग अभी तैयार नहीं, अपना काम अच्छी तरह से नहीं किए और अफसोस की बात है कि ये रखा गया और इस पर यानी कि जितना प्रश्न जितना सवालात की गई है लोग इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं और रपोतोष जो है कमीसी ये तैयार नहीं है। वेथ इन कॉम्स ब्लास्टिंग फोर बराई नहीं किया है, इस पर काम नहीं किया है और ग्रेगरी रोसलंत NPS का जो है कमीसिलियत सामनमेत कमीसिलियत ग्रेगरी रोसलंत फेंत है दद रखेरिंग ऑन दूर दख स्लक फोर बराई फिया द कोलिसी अवैध ओपन उपम्बार फॉर खादरिंग, यानी कि उपम्बार फॉर खादरिंग में एक ऐसा वैत ये लोग बदलना चाहते हैं जिस पर काम नहीं किया गया है अच्छी तरह से, तो किस तरह से इस पर बदली किया जाएगा यानी कि रद्द बदल होगा किस तरह से काम होगा। तो ये सही बात है कि पहले अपना काम करो, फोर बराइडिंग अच्छी तरह से करो तो फिर इसके बारे में चर्चा करो। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि संस स्टेखन तुजेक थाउदस दी वर्क नि दुन, और ये बात बता रहा है अमजद अब्दुल साहेब असम्बली लेट जो है कि संस इस मुतन कौमन तेह तू से दी कंट्रोल मुतन ऑफ फिनंशियल इंस्टेलिंग, यानी कि फिनंशियल इंस्टेलिंग जैसे कि काम भी हो गया बैंक जो है यानी कि यहाँ का जो लोकल बैंक होता है इस पर कंट्रोलर जिन लोगों को करना चाहिए अगर आप अपना काम अच्छी तरह से नहीं करें ना फिनंशियल इंस्टेलिंग तो इन लोगों को जुर्माना होना चाहिए, यानी कि बोतू वगैरह यानी कि जो भी कानून के मुताबिक इन लोगों को जो वैत इन लोगों पर लिया जाता है यानी कि जो सैंक्शंस लिया जाता है तो इन लोगों को सैंक्शंस होना ज़रूरी जो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। यानी कि हेड मेलपन ऑन खबरों के लगा ट्रांस एक्सिस यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का जो है गेमिंग बोर्ड, यहाँ पर लोग अपना शिकायत पेश कर सकते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से काम होता है हमारे देश में। और बताई जाती है कि वेसल्स कोर्स में दर्द इंसान खस्ती है ना फालूता फैलिंग, यानी कि फालूता फैलिंग करने के बाद कल जो हुआ है तो ये चहर गया है 5.28 US dollar 5.16 to 5.15 तो फिर अब 5.28 हो गया है। द खवोखन खमेदल द कोर्स SRD 5.25 देर तो अफकरौन दौर द सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम तो 5.28 यानी कि ऑफ राउंड कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बताई जाती है कि लोग 5.56 तक तलक इसका मांग करते हैं यानी कि और जो दूसरा फिनंशियल क्या कहते हैं इंस्टांसिस होता है जहां पर पैसा कौड़ी की कारोबार होता है इंस्टेलिंगन जो होता है फिनंशियल इंस्टेलिंगन तो और ज़्यादा मांग करते हैं कोर्स की लिए यानी कि फालूता के लिए और ज़्यादा मांग करते हैं। तो कंट्रोल होना ज़रूरी है, बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना देश के लिए ना लोगों के लिए, और लोगों के लिए और ज़्यादा दाम बढ़ गया है सभी चीज़ों पर, तो ये बहुत अफसोस की बात ज़रूर है। ओपम्बार कहता है या ओपम्बार वर्ग कहता है अब ये लोग फैसला ले रहे हैं यानी फोर बराई कर रहे हैं, कोशिश करते हैं फोर बराइडिंग करने के लिए बराई से फोर ऑफ रीखन पेरियोद, यार रेखन पीरियड जब आता है तो ये परंपरा बन गया है, साफ जाहिर है हर एक को तो जानता है जो कच्ची सड़क होता है वो कितना ख़राब हो जाता है बारिश में। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको झूर रखने के लिए किस तरह से झूर रखा जाएगा, तो भैया ये भी बता दो कि वेखन इंफ्रास्ट्रक्चर सूरीनाम के अंदर जो है ये तो साफ जाहिर है, ये कोई क्या कहते हैं
ताजुब की बात नहीं है, हर एक को तो जानता है कि जब बारिश के मौसम होता है तो कच्ची सड़क कितना ख़राब हो जाता है कि आने और जाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलात होता है। तो किस तरह से ये लोग अब काम करेंगे, अब जब बारिश का मौसम आ गया है तब ये लोग कोशिश करते हैं, अरे भैया उससे पहले काम करो ना, बना दो इस तरह से कि लोगों को मुश्किलात ना हो बारिश में। बहरहाल दोस्तों, विसल कोर्स के बारे में मैं आपको बता दिए हैं, संतराल बंक यानी कि 1.2 फिर 1.5 मिलियन फिर फैल किया है कल और अब तो 5 आतंकवन तक हो गया। इसी तरह से फ्राक एंड अनबोथ होता है, फलूत ऑफ फेलिंग पर फ्राक एंड अनबोथ जो और ज़्यादा देता है तो वही जाता है ना। तो मैंने कहा आपसे कि जिसके हाथ में लाठी होता भैंस वही लेकर जाता है ना, तो ऐसा होता है और होता रहेगा जब तक ये हालत है, क्योंकि अब ये नौबत आ गया है कि पैसा, अब भी लोग ये कर्ज़ा लेने की इरादा कर रहे हैं, यानी कि कर्ज़ा भरने के लिए कर्ज़ा लेंगे, कर्ज़ा भरने के लिए ये इरादा है। तो अब देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग आकर पहुँचे हैं कि अब दूध और महंगा हो गया है, यानी कि मलक संतराल परमारिबो का जो डायरेक्टर है देव कुमार सीताराम, ये बता रहे हैं कि ये नहीं कोशिश किया है और बहुत से ज़्यादा दाम चढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइस जो है ये प्राइस में जो दाम चढ़ाई गई उसमें कैलकुलेट करने के लिए ये कोशिश किया है, उसमें कैलकुलेट किया है ताकि लोगों को मुसीबत ना हो। और जो प्रोडक्शन होता है मलक संतराल की, तमाम प्रोडक्ट जो होता है जो लोग ये बनाते हैं प्रोडक्ट, तो लोग उसको ख़रीद सकें और मुश्किलात ज़्यादा ना हो लोगों को ख़रीदने पर। ये तो रोज़ाना के लिए ज़रूरी है कि दूध वगैरह मलक प्रोडक्शन जो होता है तो लोगों को होना चाहिए। और अब देखो इस पर भी दाम चढ़ा दिया गया है। कैंसन हाउस ओफर क्वेस्टी डायरेक्सी वेसलन तेलिस्यूर, कैंसन हाउस अपना ख्यालात पेश कर रहा है, कहता है कि एरफीसी फॉर जोम द बॉन्ड एरबाई तो बत्रैकन, यानी कि एरफीसी रातफान कॉमिसार जो होता है तो बॉन्ड को इसमें नहीं सहमत किया जब फैसला लिया गया। द वर्क वाइस ऑफ फ्रॉम द मिनिस्टर वॉज दैट है रिशफलिंग फ्रॉम द डायरेक्सी एरफीसी मोस्ट कम्युनिसेरन में द बॉन्ड, यानी कि इनको बातचीत करना ज़रूरी था बॉन्ड से, लेकिन डायरेक्सी यानी कि मिनिस्टर जो है डायरेक्सी के साथ मिलकर बॉन्ड से बात नहीं किया, ये बहुत अफसोस की बात है। ओम हेम इन कैनस्त सैलन फ्रॉम द फोर खनोम वैसिंग एंड तीवस धार्मी हैथ पर सुनील तो बद्रैकन बाई द फरंदरिंग इन बद्रैफ, यानी कि तब्दीलियाँ जब होता है बद्रैफ के अंदर तो ये ज़रूरी है कि मजदूर जो होता है वहाँ पर काम करते हैं उनको हक होता है, हकदार होते जानने के लिए कि बद्रैफ में क्या क्या फरंदरिंग होगा, क्या क्या तब्दीलियाँ लाए जाएंगे, तो वो लोग हकदार होते, लेकिन लोग भूल जाते इन बातों को। मजदूर के ज़्यादा तौर पर हमारे देश की ये परंपरा बन गया है, जो पोसीसी ऊंचा ऊंचा पा जाते हैं तो मजदूर को द्वेरी की तरह न फुतुबोय की तरह देखते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि बॉन्द ज़रूरी है, लोग कहते हैं बॉन्द को दोष देते कभी कभी, लेकिन ज़रूरी होता है कि मजदूर के लिए, मजदूर की हक के लिए बॉन्द इन लोगों को साथ दे और इन लोगों के हक के लिए लड़ें। बहरहाल आपको ये बताई जाती है, आशीष कुमार गयादीन क्वालिसिस लेदन जैन पियोनन बता रहा भैया आशीष कुमार, और स्टार्ट शोल्ट वर्थ वेसल कोर्स फॉर 3500 तक फॉर US खानतेर्थ, यानी कि जो स्टार्ट शोल्ट है तो वेसल कोर्स 3500 तक ये लोग इस ये कोर्स के मुताबिक काम करते हैं। ओपोसीसी ऑनदरवी फॉल्सवर्ती आशीष कुमार फिन जैखनित तुरख इन दिद बसलोइ, और कहता है कि ये सहमत नहीं, ये फैसला जो लिया गया है कि ये कोर्स हंतेर किया जाए 3500 तक का, जबकि सतराल बैंक ये बता रहा है कि कोर्स अब और कुछ ज़्यादा हो गया है, यानी कि कोर्स ज़रा हम देख लें कि कोर्स कितना पर ये लोग लाकर रख गए हैं, यानी कि 5 तक पर इस वक्त में, और कर्जा भरने के लिए तो ये लोग 3500 तक हंतेर करना चाहते हैं। तो ये कहता है कि ये सहमत नहीं इस बात से, क्योंकि द एक्चुअल बैलेंस स्टार्ट मोमेंट तेल ऑफ रोंट द US 1.2 मिलियार्ड, यानी कि ये लोग जो कर्जा है 1.2 मिलियार्ड, यानी कि कर्जा इन लोगों को भरना चाहिए, बैलेंस स्कोल जो है विदेशी ना कर्जा जो है भरना चाहिए। तो ये बहुत अफसोस की बात है भैया, इतना कर्जा देखो किस तरह से और कहाँ से, तो कर्जा लेकर कर्जा भरा जाएगा तो फिर कर्जा हो जाएगा, तो कर्जा पर कर्जा ना, कर्जा पर कर्जा और पर्जा पर पर्जा, तो ऐसा ही होता रहेगा और ऐसा ही है और ऐसा ही होता रहेगा। एडवर्ड बेलफोर्ट प्रेसिडेंट बहुत से हैव न्यू अंदरी डेवलप पियामा आन, यानी कि अब ठंडा इतना हो लगा है, बारिश होता ना तो 3 पैजामा अब ये पहन लगा है, 3 पैजामा पहन कर ये रखा है। ये तो मतलब जो बात ये कहा इसका है, लेकिन इसका मतलब कोई दूसरा बात है। कहता है एडवर्ड बेलफोर्ट
vindt het een kwalijke zaak dat de president tot nu toe geen concrete maatregelen heeft getroffen om de noden van de samenleving te verlichten. Kijistra se wada kiya tha. कि जो मुसीबत है जनता के अंदर देश के अंदर खासतौर पे गरीब जनता के लिए ये वादा दिया था कि इन लोगों का जो मुसीबत है इसको हल करने के लिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं नज़र आता है कुछ कहीं पर नज़र नहीं आता कि किस तरह से होगा अब जनता को इतना गरीब बना दिया भिकमंगा भिखारी बना दिया कि अब नौबत हो गया है पकैत बांटने के लिए तो पकैत कैसा बनेगा कौन बनाएगा कहाँ से निकलेगा कितना पैसा कंट्रोलर इसका कहीं कुछ नहीं हो तो कौन कंट्रोलर करेगा भैया और पकैत बना बना कर गरीब को दे ना भिखारी पहले बना दो तो फिर बाद में पकैत दो volgens de politicus is het ook merkelijk dat ondanks indringende vragen op verschillende assembleeleden in het parlement deze vragen nemen door de regering worden beantwoord कि बहुत से ऐसे सवालात होता प्रश्न होता है रखेरिंग में पार्लियामेंट में होता लेकिन रखेरिंग इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता है तो मतलब यही होता है कि जब जवाब होता है किसी के पास तब जवाब देता है जब जवाब नहीं होता है तो किस तरह से आप जवाब देंगे तो ये बहुत अफसोस की बात है ये आदमी बता रहा है ना ये भी जब था जो इनका हक था करने के लिए तो वो भी करके जिस तरह से दिखाना चाहिए था नहीं दिखा पाए और आज भी बहुत बड़े बड़े बातें निकलता है और ये भी ज़रूरी है कहने के लिए ना भैया पोसीसी अपना जो होता है हर एक कोशिश करता है इसको फरदीदक करने के लिए हिफाजत करने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना ज़रूरी है ओपन बार वायर के बराई से फोर ऑफ रीखन पेरियोद मिनिस्टर सिखफ्रीत वॉलोफ ये बता रहा आपसे बताए ना अब फोर बराई कर रहा है जब बारिश होने लगा है ना ज़्यादा तौर पर तो अभी नहीं होता है लेकिन अब कुछ कुछ बारिश होता है पोलिसी फोर तो एक बतरेकन बतरोकन बै आ रही देंगे एक दिन फोर तो एक रीजनल बै स्थान टीम का जो है ये मंगल को करीबन 5:30 सुबह के वक्त में आ रही देंगे हुआ है इंडस्ट्री वक्त निकेरी में हादसा हुई है फॉर फॉर कार फॉर पुलिस मन रही थे ओवर द इंडस्ट्री वक् ऑफ एम बपाल मैन प्रोबेर द है एंकल फ्रुख्त वाह इंतहालन दी ऑन द लिंकर साइड वन इट वैक दैक वारन पार्केर्त यानी कि पार्केर्त किया था वहाँ पर तुरक वगैरह फ्रख्त वाहन जो था तो ये कोशिश किया इसको इनहाल करने के लिए और ये सबब हुआ कि ये हादसा हुई है फन द ऐतलादिंग फन द पदी तेजस द ओक्स पेरियोड वार्डन द तुरक लॉन्ग्स द वैख पार्केर्त यानी कि जब ओक्स होता है धान कटनी होता है जब लोग धान काटते हैं तो तुरक खड़ा रहता है सड़क के किनारे तो उसको भरते हैं धान से तो ये पुलिस सीमान कोशिश किया है और तेख लेकर जो उस तरफ से आ रहा था तो आ रही दिंग हुआ है और दवाखन उस वार्डन वैख स्लीप यानी कि मोटरगाड़ी इस तरह से बर्बाद हुआ कि इसको खींच कर ले जाना पड़ा आगे चलकर आपको बताई जाती है फेल आरबेस ओफरिंग कॉम्सन फिनंसियन अख्तराफ ओफर खलेक्ट और रेगन कामर ये बात बता रहा है कि इस तरह से करीबन 12% जो है एन दर्जन फिर एन दैर तक का ये लोग पाए हैं आरबेस ओफरिंग कॉम पास अख्तराफ ओफर लेख जैन यानी कि बाद में जब ज़रूरी पड़ा तो नहीं मिला लेकिन बाद में इन लोगों को पहुँचा है तो बहुत देर हो गया था भैया इस पर कोई फैसला लेने के लिए आगे चलकर आपको बताई जाती है दोस्तों कि आज की ये अखबार के ज़रिए यानी कि दगबला सूरीनाम के ज़रिए बहुत सी खबरें होता है और कुछ कुछ निकाल कर हम आपको सुना रहे हैं और ये भी आपको बताई जाती है कि जीका मिक्रो सीफाली क्वेस्टी ऑन द लूप यानी कि अब लोग कोशिश कर रहा है कि ये सीका फ्यूरस जो है हानिकारक जो है इंसान की सेहत के लिए इतना हंगामा किया है इतना बर्बादी बहुत सी तो ये लोग कोशिश कर रहा है इसको यानी कि इस पर काम काज करने के लिए ताकि मुसीबत ज़्यादा लोगों को ना हो आगे चलकर आपको बताई जाती है दानियल ईफा नीलदो नारलास्त रसप्लास बखलैत यानी कि आप जानते हैं कि ये फुटबॉलर इस फुटबॉलर को भी अकादमी यानी कि दानियल सोमवार को इनको दफन किया गया है और 25 मार्च स्कित इंसिडेंट स्पुत एज इन द हेल्प में जो हुआ है अकादमी सीकर हाउस में तो ये आदमी का देहांत हुआ है और इस आदमी को अब दफन की गई है बहुत अफसोस की बात है दोस्तों और ये बात आपको बताई जाती है कि ट्वे इनखस करीफन इनखस लोतन फॉर दिफ्ताल ओमदर देलन ज्वार मटेरियल निकेरी में ज्वार मटेरियल यानी कि चोरी किया है बहुत से ओमदर देल तो इन लोगों को पकड़ कर बंद कर दिया गया है एस फिरन तुवेंतक और इनका जो साथी है यानी कि इन लोगों को पकड़ कर बंद कर दिया गया चोर तो चोर होता है दोस्तों तमाम खबरें जो अहम था आज के लिए हम आपके सामने
कोशिश किया रखने के लिए। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है पर्ल बाग में डाल देना। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाखिल।